यस बेटा, वर्सम बरियल स्पोर्ट्स मेंट फॉर सर्टन फैमिलीज। क्या कुछ बरियल स्पोर्ट ऐसी भी होती थी जिसमें सारी फैमिली को दफनाया जाता था? हाँ, मैगल समटाइम्स मैगलस कंटेन्स मोर देन वन स्केल्टन। कुछ ऐसी खोजें हुई हैं जिसमें एक मैगलस में एक से ज़्यादा स्केल्टन मिले हैं। सो दीज इंडिकेट्स दैट पीपल परहैप्स बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली। हो सकता है कि जो लोग सेम फैमिली में बिलोंग करते हों उनको एक ही बरियल साइट में दफना दिया जाता हो। सो द बॉडीज ऑफ दोज हु डेड लेटर वर ब्रॉट इन टू द ग्रेव। जो बाद में मरते थे उनको बाद में उसी ग्रेव में दफना दिया जाता था। और उस ग्रेव में क्या होता था, एक पोर्ट होल होता था, एक छेद होता था, ऐसे करके होल होता था जिसके अंदर वो जो मरने के बाद उस जो 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 डेड बॉडी होती थी उसको उसके अंदर डाल दिया जाता था। तो इस तरह से क्या है कि हो सकता है कि एक ही मेगालिथ में फैमिली के सेम फैमिलीज के जो मेंबर्स हैं उनको बरीड कर दिया जाता था। अ स्पेशल बरियल एट इनाम गांव। अब इनाम गांव की बात करते हैं तो उसमें एक स्पेशल बरियल साइट है, वो क्या है? तो वो बताते हैं कि जिस साइट ऑन द रिवर गोद। जे रिवर गोद में एक साइट है, एक प्लेस है जो भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इट वॉज ऑक्युपाइड 3600 से लेकर 2700 अगो जे साइट मिलती है। इसमें क्या है, अडल्ट व जनरली बरीड। इसको इसमें अडल्ट को दफनाया जाता है। लेट आउट स्टेट विद द हेड टूवर्ड्स द नॉर्थ। उनका जो हेड है नॉर्थ की तरफ सीधा रखा जाता है और फिर उनको वहाँ पर दफना दिया जाता है। तो समटाइम्स जो बरियल्स वर विद इन द हाउसेस। कुछ कई बार तो जो बरियल साइट्स होती घर के अंदर ही बना दी जाती थी। तो वेसल्स, वेसल्स होते बर्तन, तो जिसमें वो खाना खाते थे, पानी पीते थे, वो बर्तन भी उनके साथ ही दफना दिए जाते थे। तो वन मैन वॉज फाउंड, कहता एक एक मैन का जो जिसको दफनाया गया तो उसको वो मिला, वो लैक्ड क्ले यार्ड इन द कोर्ट यार्ड। उसको 5 रूम का एक घर था और उसमें एक कोर्ट यार्ड था और उसके अंदर उसको दफनाया गया। ठीक है, तो हेयर द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट। दिस हाउस आल्सो हैड ए ग्रीनरी और द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन अ क्रॉस लेग्ड पोजिशन। जो बॉडी थी उसको क्रॉस लेग्ड पोजिशन करके, ऐसे उनकी जो लेग्स थी ऐसे क्रॉस करके उसको फिर उसको दफनाया गया। ऐसे करके क्रॉस पोजिशन में उस बॉडी को, ऐसे एक जार टाइप कब्र होगी तो उसको ऐसे क्रॉस लेग करके उसको दफनाया गया। तो ये सिस्टम सारा क्या आपने पढ़ा था कि जो बरियल साइट में पुराने समय में लोग कैसे जो मरने के बाद लोगों को दफनाते थे, आपने ये सारा कुछ पढ़ा कि बरियल साइट हमें क्या बताती है कि कैसे लोगों को दफनाया जाता था, कैसे पता चलता था कि रिच लोग कौन से हैं और अमीर और गरीब लोग कौन से हैं। ये सारा हमें कहाँ से पता चलता है, बरियल साइट से ही पता चलता है। आगे देखते हैं ऑक्यूपेशन एट इनाम गांव कि इनाम गांव के लोग क्या काम करते थे, जे हमें कैसे पता चला कि वो कैसे काम करते थे, तो वो देखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने जब खोज की, खुदाई की, तो उनको कुछ सीड्स मिले, वीट के, बाले के, राइस के, पल्सिस के, मिलेट्स के पीस, जैसे कुछ सीड्स मिले। तो बोन्स ऑफ नंबर ऑफ एनिमल्स की बोन्स मिली। इसके अलावा और क्या था कि हो सकता है उनको कुछ कैटल्स, कुछ एनिमल्स मिले, कैटल, फेलो गॉट, चीप, डॉग, हॉर्स, एस पिग, ऐसे बहुत से एनिमल्स मिले वहाँ पर, उनकी स्केल्टन्स मिले। तो देयर इज अ एविडेंस। तो जहाँ इन सब से बातों से क्या पता चलता है कि देयर इज एविडेंस दैट फ्रूट सच एज बे, कुछ एविडेंस ऐसे भी मिले जहाँ पर ये पता चलता है कि लोग उसमें उस वक्त क्या इस्तेमाल करते थे, बेर, आमला, यामन, डेट्स, जो वैरायटी ऑफ बेरीज भी कलेक्ट करते थे उनका इस्तेमाल करते थे। तो इट क्या पता चलता है कि वहाँ के लोग क्या थे, एक तो एग्रीकल्चर करते होंगे, ठीक है, दूसरा क्या है, एनिमल्स रेयर करते होंगे, एनिमल्स को खाते होंगे, तो ही उनकी बोन्स मिली हैं। तो इसके अलावा क्या पता चलता है कि बहुत से एनिमल्स थे वहाँ पर आसपास जो थे, उनको वो सारे वो उनका इस्तेमाल करते थे, उनको पालते थे। तो इस तरह से इनके अलावा उनको फ्रूट का इस्तेमाल करते थे, उनकी खेती करते थे। तो इस तरह से पता चलता है कि इनाम गांव के लोग डिफरेंट ऑक्यूपेशंस करते थे, जैसे कैटल रेयरिंग, जहाँ एग्रीकल्चर, ठीक है, तो ऐसे जैसे हंटिंग है, जिस सारा वो ऑक्यूपेशंस वो लोग करते थे। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर्स अब फिनिश है। तो अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे। तो
ओके, ध्यान से अपना ध्यान रखना और अच्छी तरह से लेसन को समझना। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।